आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। आज आयुर्वेद समाधान के इस खास वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं टॉन्सिल्स के बारे में। जी हाँ, टॉन्सिल्स के बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो आज हमारे साथ है वैद्य जी आर निवास, जो बात कर रहे हैं टॉन्सिल्स की बीमारी से कैसे आयुर्वेद के द्वारा निजात पाई जा सकती है। ज्यादातर लोगों में टॉन्सिल को लेकर बड़ी शिकायतें हमें मेल में प्राप्त होती हैं। वो टॉन्सिल को लेकर बड़े परेशान रहते हैं। किसको, ज्यादातर लोगों को टॉन्सिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसके संबंध में उनको बड़ा भ्रम रहता है। तो टॉन्सिल आखिर होता क्या है? टॉन्सिल्स जो है हमारे गर्दन के पास अंदर मुंह की तरफ से देखेंगे तो एक ग्लैंड इस तरफ है और एक इस तरफ है, ठीक है। विशेष करके बच्चों को होता है टॉन्सिलाइटिस। वो कहते हैं कि भाई ये हमारा बच्चा तो 7 दिन ठीक रहता है, 7 दिन इसको बुखार हो जाता है। तो मैं सबसे पहले उनको टॉन्सिल्स ही चेक करता हूँ और उनको टॉन्सिल्स मिलते हैं और टॉन्सिल्स की ही दवाई देता हूँ तो बुखार नहीं होगा, क्योंकि उन ग्लैंड्स के अंदर पस बन जाता है। पस बन जाता है, अगर वो पस बन गया है तो भ्रष्ट होगा, भ्रष्ट होने से ब्रेन कमजोर हो जाता है। तो मैं आयुर्वेदा के अंदर उनको जो है कत्था चूसने के लिए और सिंगाड़े खाने की राय देता हूँ। अब सीजन में तो सिंगाड़े मिलेंगे और जब सीजन नहीं होगा तो कहाँ से मिलेंगे। तो उसके लिए हम सिंगाड़े का जो है आटे का हलवा गरम गरम खाने के लिए बोलते हैं। और वैसे जनरल औषधि के अंदर कुलंजन का एक टुकड़ा मुँह में रख करके चूसते रहिएगा, टॉन्सिलाइटिस ठीक हो जाएगा। आपने बताया कत्था की कितनी मात्रा? कत्थे की जो है एक बिस्किट जैसा आता है कत्था, जो सूखा हुआ, उसका एक टुकड़ा मुंह में रख करके चूसते रहिएगा। वो एंटीबायोटिक वहाँ लग करके जाएगा तो रिलीफ मिलेगा। ये वही कत्था है जो पान में इस्तेमाल किया है? हाँ। तो क्या पान में भी कत्थे का इस्तेमाल कर सकते हैं टॉन्सिल्स में? बिल्कुल। अच्छा, लेकिन उसमें कोई तम्बाकू या फिर नहीं? सादा पान खाएंगे तो। अच्छा, ये होने का कोई विशेष कारण है क्या इसका? हाँ, आइसक्रीम, ठंडे पेय, कोई भी है, ठंडी चीजें खाना, वो इसका विशेष कारण है। जब हम टॉन्सिल्स हो हमारे और हम आयुर्वेद का कोई उपचार ले रहे हो, उस दौरान हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि ये नहीं खाना है और ये खाना है? आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, ठंडे जो है ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ठंडी चीजों से परहेज रखेंगे तो अपने आप टॉन्सिल्स नहीं आराम मिलेगा। तो जाना आपने कि आप छोटे से उपायों को करके ही टॉन्सिल की बीमारी से निजात पा सकते हैं। वैद्य जी द्वारा दी गई इस जानकारी को किसी डॉक्टर की सलाह के रूप में ना लिया जाए, ये केवल स्वास्थ्य के प्रति आपको जागरूक बनाने की शिक्षा के रूप में दी गई है। इस संबंध में अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट्स में बता सकते हैं। आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ayurvedsamadhan@gmail.com। आयुर्वेद के ऐसे ही समाधानों के लिए और हमेशा स्वस्थ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें आयुर्वेद समाधान।